पीस को पीस भाई, साइज को पीस क्या है, सही नहीं भाई। देखो भाई कोरबे में भाई जिस्ता ही है कि भाई देखो क्या चीज है, क्या चीज है भाई। अगर आप ये किसी मेहमान के सामने प्रेजेंट, भाई आप मुझसे पूछोगे भाई भाई चिकन विनर है या ये पनीर विनर है, भाई लाजमी बात है भाई। भाई चक लो और इस पानी में भाई डाल दो, ठीक है। बात बड़े बड़े पीस है। हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल दोस्तों। बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज बनाने हैं जारज भाई पनीर कोरमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। भाई ये देख रहे हैं क्या भाई, एक कढ़ाई में मैंने पानी लगा रखा हुआ है जी, ठीक है, जो कि उबल चुका हुआ है। तो मैं इसमें डालता हूँ जी भाई भाई नमक और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। भाई एक टेबल स्पून जिंजर, एक टेबल स्पून भाई गार्लिक, बोलो तो अदरक लहसुन एक एक टेबल स्पून। तो जी इसे गोलो मिलाओ अच्छे से, और दोबारा से अब गैस का फ्लेम हाई कर लो, और इसे आप 5 से 10 मिनट के लिए ना और उबलने दो, ठीक है। उबलने के बाद इसका गैस का फ्लेम आप बंद कर देना। तो जी जब तक पानी अपना उबलता है तब तक नेक्स्ट कार्रवाई करते हैं। भाई ये देख रहे हो क्या है भाई, ये जी पनीर के पीसेस, भाई देख रहे हो कितने बड़े बड़े पीसेस है। भाई ये 1 किलो पनीर है जिसके मैंने बड़े बड़े पीस बनाए हुए हैं। तो उनको करना क्या जी भाई, इनको फ्राई करने का है। तो जी कढ़ाई लगा दी है हमने, इसमें हमने तेल डाल के रखा हुआ, ये वही तेल है भाई जिसमें हमने प्याज ब्राउन किए थे, ठीक है भाई। इसके हल्के फुल्के गर्म होने का वेट कर लो। तो जी तेल हल्का फुल्का गर्म हो चुका है, तो जी टिकाओ ये बड़े बड़े पीस भाई पनीर के। तो जी पनीर के पीस मैंने टिका दिया, ओनली 4 पीसेस आए इसमें भाई, बहुत बड़े बड़े हैं भाई। इसको करना क्या जी, इस साइड ब्राउन करने का, उस साइड ब्राउन करने का, बस ये करने का आपको। पनीर अपने दोनों साइड ब्राउन हो चुके हैं, तो इनको ना बाहर निकाल कर दो आप भाई, चक लो और इस पानी में भाई डाल दो, ठीक है। अब आप गैस का फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि 10 मिनट से भाई उबल रहा था, ठीक है। नहीं अब गैस का फ्लेम बंद कर दो आप भाई, डाल दो। तो जी 4 से 4 पीस मैंने इसमें डाल दिए। तो जी बस आपने वैसे ही जो प्रोसेस है फॉलो करना है भाई, पनीर ब्राउन करने का, पानी में डुबो के रख देने का। तो जी सारे के सारे पनीर हमने फ्राई करके इसमें भाई डुबो के रख दिए, तो इसको आप इसी में डुबो के रहने दो। तो करते हैं नेक्स्ट कार्रवाई। तो जी नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से जी, देग लगा दिए जी, वही तेल है जिसमें पनीर फ्राई किया भाई, जिसमें हमने प्याज फ्राई किए जी, सेम होगा क्यों भाई, फ्लेवर आएगा। हाँ भाई कितना ही है ये भाई, 10-12 टेबल स्पून है, ज्यादा नहीं है, 15 लगा लो मैक्सिमम। हाँ बट ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम बंद है एज यूजुअल, जैसे पहले किया था हमने। इसमें हम थोड़ा नमक मिलाएंगे भाई, नमक थोड़ा ध्यान से मिलाना, क्यों, क्योंकि हमने जिसमें हमने पनीर डुबोया ना भाई, उसका पानी हमने यूज करने का थोड़ा सा, हाँ उसी हिसाब से। 5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच भाई जीरे का पाउडर, 2 चम्मच भाई गरम मसाले का पाउडर, 2 चम्मच धनिया का पाउडर, 6 इलायचियां, 6-7 लौंग, 20-25 दाने भाई काली मिर्च के, 1 दालचीनी, 2 तेज पत्ते, अदरक लहसुन का पेस्ट बढ़ जाए, 2 टेबलस्पून अदरक, 2 टेबलस्पून लहसुन, 200 ग्राम दही, कर दो उसको मिक्स मुक्स चंगे से। अब आप गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसे आप उबाल आने तक भाई पकाएंगे भाई, करछी चलाते रहना, करछी रुकनी नहीं चाहिए, बस ध्यान रही चीज का। तो जी इसमें अच्छी खासी उबाल आ चुकी है, अब तो करना क्या है भाई, इसमें से ये स्टॉक वाटर में से ना ये पनीर ला चक लो, इतना पा दो भाई, चक लो आधा पा दो। 2 कड़छी पानी मिलाने के बाद इसे आप करीब 5 मिनट तक भाई और पकाएंगे जी हाई फ्लेम पे। 5 मिनट हो जी इसको पकते हुए, करना क्या है, इसमें हम डालते हैं जी भाई 1 ढक्कन भाई केवड़े का वाटर। भाई देख रहे हो क्या है भाई, 25 काजू 25 बादाम का पेस्ट भाई, दूध बनाया पेस्ट, दूध में भाई डाल दो सारे का सारा। भाई देख रहे हो क्या है भाई, ये फ्राइड अनियन है भाई, 4 प्याज, ठीक है जी, मिला लो चंगे से मिला लो। भाई देख रहे हो क्या है भाई, ये जी 2 चक्रफूल, ठीक है, 1/2 चम्मच भाई जायफल, 1 चम्मच भाई जीरा, और 1 जावित्री है, ठीक है जी भाई, इसका हमको पाउडर बनाने का। तो लो जी भाई पाउडर बनके तैयार हो गया, तो डोल दो। अब आप गैस का फ्लेम हाई करेंगे, आधी कड़छी भाई स्टॉक वाटर और मिलाएंगे इसमें आप जी, पकाओ उसको भाई 5 मिनट तक और हाई फ्लेम पे। तो जी 5 मिनट हो गया जी इसको पकते हुए, ठीक है जी, गैस का फ्लेम लो गए लो। तो जी उठा लो पनीर के पीसेस, बस ध्यान रहे कि भाई अब पानी यूज नहीं करना, क्यों, अब नमक ज्यादा हो जाएगा यार, ठीक है, चक लो एंड पा दो जी बड़े बड़े पीस। तो जी सारे के सारे पीस मैंने मिला दिए जी, गैस का फ्लेम हाई कर दो और इसको अच्छे से भाई मिक्स बुक्स करो भाई, ध्यान रहे भाई पनीर का पीस टूटे ना यार। तो जब करना क्या जी, गैस का फ्लेम हाई रहेगा तो इसे 5 मिनट के लिए भाई उबलने दो, ठीक है, इस ग्रेवी में। तो दोस्तों भाई 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए हाई फ्लेम पे, अब करना क्या है भाई, इसमें डालते जी पानी, भाई ज्यादा पानी नहीं, केवल 1.5 गिलास, ठीक है जी भाई, ध्यान रहे पानी जो है वो गर्म है, ठीक है ना, ये ध्यान रहे चीज का। तो जी हल्की फुल्की उबाल का भी तो कर लियो। तो जी उबाल आ चुकी है जी, करना क्या, गैस का फ्लेम लो गए लियो, इस पे ढक्कन रख लियो जी भाई 15 मिनट के लिए बस। दोस्तों भाई 15 मिनट हो गए, चक लो, ओ भाई लो दोस्तों भाई बन के तैयार है जी, करते हैं जी टेस्ट। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार हो जी अपना भाई देगी भाई पनीर कोरमा भाई, बहुत डिमांड थी जी आपकी भाई, देख लो ये यार भाई, बताओ दिखने में लग कैसा रहा है भाई, ये देखो जी
क्या स्थिति है जी इस पनीर की, है लोडेड भाई, पीस को पीस भाई, साइज का पीस का है सही नहीं भाई। देखो भाई कोरबे में भाई जिस्ता ही है कि बड़े बड़े पीस यार, आप चाहो तो निक्के निक्के पीस कर सकते हो, बट बड़े बड़े पीस यार बड़े सही दिखते हैं यार। हाँ मतलब प्रेजेंटेशन बहुत सही रहती है। देखो देखो ओ गर्म है, वो गर्म चल गया, और देखो यार है नहीं भाई 60-70 ग्राम का पीस है यार, नहीं है भैया भाई साथ में। और अच्छा भाई करी दिखाई नहीं यार, करी देखो, करी भाई दानेदार करी हो भाई, कैसी करी है, हाँ है खूबसूरत या नहीं है बताओ यार। हाँ और भाई साथ में क्या लीजिए, साथ में लीजिए जी निक्के मोटे प्याज थोड़िया, एंड दिस इज निक्के मोटे खीरे, और ये प्लेट जो है ना ये मुड़ के इथे आएगी जी, ऐथे ऐथे डिमांसेशन हो चुकी है। आ भैया तो जी हाथ गंदे हो गए, कोई चक्कर नहीं है। तो जी पहले हम सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, इसकी ग्रेवी। भाई ग्रेवी तो बड़ी ही ज़बरदस्त लग रही है जी दिखने में, हाँ दानेदार, जैसे हमने चिकन बनाया था चिकन में, भाई उससे भी खतरनाक ग्रेवी लग रही है भाई रियलिटी में। अब कैमरा क्या बता रहा है मुझे नहीं पता यार। भाई देखो जी ये स्थिति है भाई पनीर की, जो बल्कि पनीर के जो कन कन वो इसमें अंदर भीतर आए हुए जी इस ग्रेवी के अंदर यार, सच में कह रहा हूँ मैं यार। तो आ भाई अब देखे तेरा टेस्ट कैसा है। भाई जाबरा पहली बाइट रखते ही, क्या पहली बाइट क्या बोलते हैं, हाँ भाई ग्रेवी रखते ही ना भाई जाबरा डिक्लेयर हो चुका हुआ यार, 9.5 10 में से। क्या मस्त ग्रेवी है यार, जबरदस्त ग्रेवी है भाई, फुल ऑफ फ्लेवर ग्रेवी है, मतलब कि इतना फ्लेवर है इसके अंदर। वो क्यों है भाई, पनीर है या खुद में डेयरी प्रोडक्ट है भैया, हाँ ऊपर काजू कुजू, हाँ वो जो पनीर के जो कन मिले जी ग्रेवी के भीतर, उन्होंने तो तबाही फेर दी यार, तबाही बड़ी जबरदस्त तबाही। टेस्ट तो ऐसा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हमने देसी क्यों मिलाया जी इसके अंदर, जबकि देसी क्यों मिलाया ही नहीं हमने यार। और केवड़े का जो फ्लेवर है हल्का हल्का बड़ा प्यारा आ रहा है, सच में कह रहा हूँ, और जो कोरम मसाला हमने बनाया था भाई उसका फ्लेवर भाई ले देख के ना, ये पैकेज बनकर तैयार हुआ ना यार, ये वाकई में ना यार तबाही है यार। अब मुद्दा जी इस वड्डे जी ये पीस का, इस पनीर के वड्डे जी ये पीस का, भाई देखो क्या दिखने में खूबसूरत लग रही है, देखो है खूबसूरत या नहीं है यार बताओ। ये देखो जी मैं आपको अच्छे से और दिखाता हूँ, है साइज या नहीं है बताओ, ब्यूटीफुल साइज है यार सच में। भाई देखो 1 किलो पनीर है पूरा यार, और कितने ही पीस निकले यार, बट देखो आप चाहो तो निक्के निक्के पीस कर सकते हो भाई, मेरे को भाई प्रेजेंटेशन करनी होती है आपके सामने यार। हाँ भैया आप देखो जी सब तोड़ ताड़ के ना ऐसे रखते हैं, ऐसे करके स्ट्रेट देखो, ए देखो जी है मस्त नहीं भाई, पनीर जो है ना बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी टेस्टी है, टेस्टी मतलब कि मैं कच्ची खाई थी ना, बहुत टेस्टी थी। वाह भाई वाह, जाबरा भाई जाबरा, सच में यार पनीर कितनी सॉफ्ट है, कितनी टेस्टी है, एकदम प्योर यार, प्योर पनीर है यार, वो नहीं है उस सेपरेटा नहीं है, और रबड़ खींचना पड़ता है या खट्टी खट्टी कुछ नहीं है, नहीं तो वो जो एक टेस्ट भी होता है ना वो जलने वाला स्मेल भाई, वो भी नहीं है इसके अंदर यार, परफेक्ट है भाई, परफेक्ट है सच में यार। वाह भाई, अगर आपने स्किप नहीं की हो मेरी रेसिपी भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था इसके अंदर वो था जब मैंने कढ़ाई में पानी डाला था, बस मैं नमक डाला था और मैंने लहसुन डाला था, लहसुन याद है ना आपको, फिर मैंने फ्राई करके पनीर उसमें डिबोए थे, हाँ भाई वो जरूर करना, अगर ना किया ना तो ये भाई ये फ्लेवर एंजॉय नहीं करोगे आप यार, सच में कह रहा हूँ, क्या जबरदस्त फ्लेवर भाई, जो लहसुन का फ्लेवर है वो इसे भीतर आया हुआ है यार, भीतर तक आया हुआ है वो जो नमकीनपन, वो भी पनीर के भीतर आया हुआ है, मैं सच में कह रहा हूँ यार, बल्कि वो करना बेहद ज़रूरी है, जो मैंने फॉर्मूला भाई स्टार्टिंग में किया था भाई, नहीं करते बहुत काफ़ी लोग नहीं करते वो चीज़ यार, भाई आप जरूर करना यार। ओ यार इस पे ये प्याज भी रख देते हैं टिका के, तो जी ये स्टोरी थी सारी भाई पनीर की एंड ग्रेवी की। भाई मैं किंग को लेके आता हूँ जी इज्जत तरीके से भाई, पोटा पोटा है इसमें। तो लो दोस्तों भाई किंग की एंट्री हो चुकी है भाई, किंग बहुत ही ज़्यादा चिपका चिपका बना हुआ है जी, आज कुछ 1, 2, 3, 4 नहीं है भैया, आई एम सॉरी। हाँ तो आ भाई, ओह भाई 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 देखो क्या चीज़ है, क्या चीज़ है भाई, अगर आप ये किसी मेहमान के सामने प्रेजेंट करोगे इस तरह से, हाँ बताओ क्या नंबर देने वाला जी आपको, बताओ बताओ। ये देखो फिर दिखा रहा हूँ साइज़ आपको, है जाबरा नहीं है बताओ यार। हाँ आ भाई बैठ जा तू ये पर इज्जत से, और देखो ये दानेदार ग्रेवी यार, काजुओं से लबा लब भाई शाही ग्रेवी। तो आ भाई आओ यार एक पीस और निकाल कर रखते हैं यार, ये पड़ेगी इधर, बैठ जा भाई। आ भाई पहली बाइट, भाई तबाही तबाही
ये तो शुक्र मनाओ कि आज किंग चिपक चिपक हुआ है, गलती से भी करे दानेदार ना दानेदार यार भाई, बहुत स्वाद आना था, बहुत स्वाद, सच में कह रहा हूँ यार। भाई पनीर के भाई तैनो रखना, मैं इतना रख के कटा गया यार। भाई आप मुझसे पूछोगे भाई भाई चिकन विनर है या ये पनीर विनर है, भाई लाजमी बात है भाई, रेसिपी सेम है, कोई खास फर्क नहीं है भाई, विदाउट एनी डाउट भाई ये कामयाब है। ओए तू इधर खड़े हो ऐसे भाई, कामयाब है पनीर भाई चिकन से भाई, आगे चल रही है रेस में। अब ये रेसिपी मैं बनाने वाला हूँ जी मटन में, अब देखता हूँ कि उसमें क्या दवाई फिरने वाली है जी मटन में, ये रेसिपी मैं जरूर ट्राई करूँगा और देखूँगा कि क्या दवाई फिरने वाली है, पनीर विनर है, चिकन विनर है या मटन विनर है। तो दोस्तों भाई जी भाई चाय देगी पनीर कोरमा, आप ये जरूर ट्राई करना, मुझे बताना भाई कैसा लगा, कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।